अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको पोटैटो बॉल्स बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लेकर उनको उबाल लिया है और इनको मैश कर लें। आलू को मैश करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च और 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इन सब चीज़ों को इसमें डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें 1 चम्मच लीमू का रस भी छिड़क दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे और इसका दूसरा स्टेप करेंगे। 6-10 स्लाइसेस लें, इनके किनारे काट कर अलग कर लें। देखिए इस तरह से किनारे अलग कर लें। ब्रेड के सारे स्लाइसेस तैयार कर लें और ये जो हमने किनारे उतारे हैं इनका हम चूरा कर लेंगे। अब इसे ग्राइंडर में डालकर भी बना सकते हैं चूरे को। हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, हम इस मसाले की बॉल्स बना लेंगे। इस साइज की बॉल्स बना लें। लेंगे इसको पानी में भिगोकर फौरन ही निकाल लेंगे और इसको यूं हाथ से प्रेस करके निचोड़ लेंगे। और ये जो हमने बॉल बनाई है इसको इसके अंदर डालकर हम दबा लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। दालसी पोटैटो एंड ब्रेड बॉल्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें।